पापा, सेब बड़ा मशहूर फल है, इसे लोग शौक से खाते भी हैं, तो अगर उम्मत की रहनुमाई के लिए इसके कुछ फवाइद बयान हो जाए। सेब फारसी लफ्ज है, अरबी में इसको तुफाह बोलते हैं, वैसे अब अंग्रेजी का ज्यादा दौर है तो एप्पल। ये सुर्ख भी होता है, पीला भी आता है, ये सब्ज भी आ जाता है इसमें। सेब में तो फौलाद भी होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए बी सी ये भी इसमें होते हैं। डॉक्टरों का तो मशहूर कौल है, जो रोजाना एक सेब खाया करे उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेब बहुत फायदे वाला है, इससे कई बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। अलबत्ता खट्टा सेब कब्ज करता है, लेकिन सोते वक्त खाया जाए ना तो कब्ज को खोलता है। और आजकल मिलता खट्टा ये सेब, मीठा सेब तो बहुत महंगा होता है। मीठा सेब वो मशहूर है हमारे, मुसद्दी कहलाता है, नर्म नर्म होता है, इसको दबाओगे तो पिचक जाएगा। और वो खट्टा सेब बिल्कुल वो पत्थर की तरह सख्त होता है, जोर लगाओगे तो थोड़ा सा पिचकेगा, मामूली सा। गोल्डन सेब आता है, ये भी मीठा होता है, यूं कह सकते खट मीठा होता है। मुसद्दी मुतलकन मीठा होता है। छोटे छोटे सेब आते हैं, वो भी मीठे होते हैं, नर्म नर्म होते हैं, इसको दबाओगे तो पिचक जाएंगे। आप यूं दो हाथ में रख के इसको यूं हथेली से जोर लगाओगे ना तो ये फट जाएंगे। और वो जो मैं कह रहा हूं ना, सख्त सेब होता है जो आजकल ज्यादातर वही मिलता है, मुसद्दी कहकर वही चला देते हैं लोग, या मिलावट कर देते हैं मुसद्दी में उसकी, तो वो आप हथेलियों से दबाओगे तो कोई मार्शल आर्ट जानता हो तो वो तो फाड़ देगा, लेकिन जनरल वो जोर लगाना पड़ेगा, आमतौर पर नहीं फटता, सख्त होता है। जूस इसी का मिलता है, वो जूस ज्यादा होता है, मुसद्दी में जूस बहुत कम होता है। दिमाग की ताजगी, दिल जिगर को भी इसके फवायद हासिल होते हैं। अगर कोई परेशानी हो, टेंशन आ जाए, सेब आदमी खा ले तो परेशानी से मुकाबले की ताकत उसकी बढ़ती है, जिगर को ताकत देता है, मतली और कह को रोकता है। सुबह के वक्त या तीसरे पैर, एक तो होता है ना दूसरा पैर, इसको हम दो पहर बोलते हैं, तो इसके बाद तीसरा पैर जब आता है थोड़ा ठंडा हो जाता है वो, तो वो तीसरे पैर को खाए या सुबह को खाए तो सेब जो है वो अच्छा खून पैदा करता है। और दिमागी जो काम करते हैं ना, जैसे अब मुफ्तियाने किराम फतवे लिखते हैं, मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं, कारी साहिबान हिफ्ज करवाते हैं, या खुद जो बच्चा हिफ्ज करता है उनका दिमागी काम होता है, ऐसों के लिए सेब जो है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत आला नेमत है और बेहतरीन सौगात। रेड सेल्स बढ़ाता है जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, गुर्दों की सफाई के लिए तो ये बहुत आला नेमत है, हाजमे के लिए मुफीद है। सेब वैसे खाने का जो तरीका है ना, वो ये खूब चबा चबा कर खाया जाए। उमूमन लोग छिलके छील के फेंक देते हैं, तो छिलकों के साथ फिर वो विटामिन भी, विटामिन सी तो उमूमन ऊपरी सतह पर ही होता है, छिलके के अंदरूनी सतह में, गूदे की ऊपर सतह में, तो वो छिलके के साथ तकरीबन चला जाता है। तो छिलकों समेत खा लीजिए, खूब चबा चबा कर खाने से इसका फायदा ये होता है कि सेब के जो अज्जा होते हैं, बारीक बारीक अज्जा, ये मसूड़ा जो है ये इसमें जज्ब होते हैं, बंदे को पता नहीं चलता, ये उसमें जज्ब होते हैं। तो इस तरह मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत भी मजबूत होते हैं। वैसे तो दिन रात में जब भी खाएं मुफीद है, अलबत्ता खाने के बाद अगर सेब खाया जाए तो खाने को हजम करता है। पेचिश, टाइफाइड, तपेदिक यानी टीबी और खांसी में फायदेमंद है। दिमाग, दिल, जिगर, ये जिस्म के जो खास खास हिस्से, इनको आज़ाए रईसा बोलते हैं, तो ये आज़ाए रईसा के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह आसाबी कमजोरी दूर करता है, आसाब असब की जमा है, ये आसाब इनको बोलते हैं। दिमाग और वो हरा मग्ज जो है, रीढ़ की हड्डी में जो सफेद डोरी होती है, इनसे बारीक बारीक रेशे निकलकर बदन में फैले हुए होते हैं, इनको आसाब बोलते हैं। तो इन आसाब की कमजोरी दूर करके इनको मजबूत करता है। हामिला अगर मुतवातिर इस्तेमाल करे तो मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहे और बच्चा भी खूबसूरत पैदा हो। जो रोजाना पाबंदी से सेब खाया करे तो वो फुर्ती वाला और चुस्त रहता है। सेब आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, सेब हाफिजा भी मजबूत करता है, अलबत्ता खट्टा सेब हाफिजा कमजोर करता है।
अगर पेट आपका जाम हो गया इसको बिल्कुल लेने के सफाई करना नहीं है, तो इसका तरीका ये कि मुनासिब दूध में एक सेब डालकर इतना पकाएं कि नरम हो जाए, फिर इसको मल मसल कर कुचल कर इसको छान कर वो दूध पी जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपका पेट साफ हो जाएगा। जरूरतन चीनी भी मिला सकते हैं। अगर सर में दर्द है, नहीं जाता सर का दर्द, तो इसका भी इलाज ले लीजिए, मगर ये भी नहार मुंह खाना होगा और अब ये छील कर खाना होगा। तो ऊपर से हल्का हल्का छिलका उतार दें, फिर ये के टुकड़े करके नमक लगाकर इसको खा लें। तो ये 3 दिन तक एक एक सेब इस तरह खाएं, इंशाअल्लाह सर का दर्द दूर हो जाएगा। बाज माहिरीन के बकौल रोजाना छिलके समेत सेब खाने से ब्लड प्रेशर जो हाई हो ना तो वो नॉर्मल हो जाता है। कच्चा सेब गर्म करके वर्म यानी सूजन पर लगाना मुफीद है। सेब मुख्तसर ये कह बहुत फायदे वाला है, जिसको मुयस्सर हो उसे खाना चाहिए। बना या रब मुझको तुम तकी बना।